हे माइंडफुल पीपल, एनरडेटा.net एक वेबसाइट है जो वर्ल्ड वाइड एनर्जी कंजम्पशन के बारे में हमें डेटा प्रोवाइड कराती है। इसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में पूरे वर्ल्ड की एनुअल एनर्जी कंजम्पशन करीब 13,978 मेगाटॉय थी, जिसमें कोल, गैस, ऑयल, हीट, बायोमास सब कुछ शामिल था। टॉय स्टैंड्स फॉर टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये एनर्जी कंजम्पशन को मापने की एक यूनिट होती है, मतलब एक टॉय उतनी एनर्जी को बोलते हैं जितनी एनर्जी आप एक टन ऑयल को बर्न करके प्रोड्यूस करते हो। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक एक टॉय में 11.63 मेगावाट आवर्स के बराबर एनर्जी होती है, मतलब एक टॉय में इतनी एनर्जी होती है कि वो पूरे दिल्ली को करीब 6 सेकंड तक इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि हम इंसान हर साल करीब करीब 13,978 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल्स जलने जितनी एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वैसे क्या आप जानते हो कि पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला देश कौन सा है? चलो गेस करो, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके बताओ। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका जवाब बता दूंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करो। वेल, अब अगर हम इस एनर्जी को सन की एनर्जी से कंपेयर करें तो सन हर सेकंड इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि वो पूरे वर्ल्ड की एनर्जी डिमांड को 6,88,000 सालों तक पूरा कर सकता है। मतलब इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग, इतनी सारी एनर्जी सिर्फ एक सेकंड में। लेकिन सूरज की ये एनर्जी पूरे सोलर सिस्टम में इक्वली स्प्रेड होती है और अर्थ इसका केवल 0.00000045% ही रिसीव कर पाता है। इसके बावजूद ये एनर्जी इतनी होती है कि वो पूरे अर्थ के टोटल एनर्जी कंजम्पशन का लगभग 7,500 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके बावजूद ये एनर्जी इतनी होती है कि ये पूरे अर्थ के टोटल कंजम्पशन का लगभग 750 टाइम्स है। सन का कोर एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्टर। जिस तरह के रिएक्टर आप अर्थ पर देखते हो वैसे नहीं, बल्कि एक नेचुरल रिएक्टर। और इन दोनों का ही एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस न्यूक्लियर रिएक्शन से होता है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8 से 99.9% मास सन में ही मौजूद है। बाकी बचे 0.1 से 0.2% में बाकी सभी प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स और एस्टेरॉयड्स शामिल हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में। रोजधन इंडिया के टॉप मनी अर्निंग एप्स में से एक है। इसमें आप हर दिन इजी और मज़ेदार काम करके, गेम खेल के, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ के या फिर ऐप को शेयर करके पैसे कमा सकते हो। आपको इस ऐप में रोजाना चेक इन करने के भी पैसे मिलते हैं, मतलब ऐप खोलो और पैसे कमाओ। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपये मिल जाएंगे और आप अगर हमारा ये कोड अप्लाई करते हो तो आपको 25 रुपये और मिल जाएंगे। इसमें आपको छोटे मोटे टास्क और अपने प्रोफाइल को पूरे करते रहना है और बस सिर्फ इतने से काम से आप रोजाना पैसे कमा सकते हो। जब भी आप किसी को ये ऐप शेयर करोगे और वो डाउनलोड करके इसका लगातार 2 दिन तक इस्तेमाल करेगा, कोई आर्टिकल पढ़ेगा या कोई गेम खेलेगा, तो ऐसा करने के उसको 25 रुपये तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको भी उसके 6 रुपये रेफरल के तौर पर मिलेंगे। इस एप्लीकेशन में सभी कैटेगरी के आर्टिकल्स जैसे न्यूज़, कंट्रीज, एंटरटेनमेंट और काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज मौजूद हैं। इस ऐप में आप जितना ज़्यादा चलोगे ये ऐप आपको उसके भी कॉइन्स देगा जो कि आप पैसे में रिडीम कर सकते हो। तो ऐसे ऐप को अभी नीचे दी हुई लिंक से जाकर डाउनलोड करो और हमारा रेफरल कोड डालना बिल्कुल भी मत भूलना। बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यूनिवर्स में जब मैटर फॉर्म हो रहा था तब केवल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही एग्जिस्ट करते थे और उस समय इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी इतनी ज़्यादा थी कि जिस वजह से ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब यूनिवर्स का टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हुआ और इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होने लगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे यूनिवर्स का सबसे सिंपलेस्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट है। फन फैक्ट, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी एटम्स स्टार्स के अंदर ही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से फॉर्म हुए हैं। यही कारण है कि हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सन में भी लगभग 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और बचे हुए 0.5% में अदर एटम्स जैसे कि नियॉन, आयन, सिलिकन, मैग्नीशियम और सल्फर पाया जाता है।
सभी प्लैनेट्स के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके साथ साथ वो अपने प्लैनेट्स के पार्टिकल पर भी अंदर की तरफ एक कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहते हैं। सेम ऐसा ही सन के साथ भी होता है, लेकिन सन की ग्रेविटी बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा है कि इस प्रेशर की वजह से सन के कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं अर्थ के कोर का टेम्परेचर सिर्फ 60,000 डिग्री सेल्सियस ही पाया गया है और मून का करीब 1400 डिग्री सेल्सियस। सन के कोर का टेम्परेचर का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर आप एक पेपर पिन को इतने टेम्परेचर के बराबर हीट कर देते हो तो इस छोटे से पिन से निकलने वाली रेडिएशन अर्थ पर हजार माइल्स के रेडिएशन में रहने वाले सभी लिविंग थिंग को खत्म कर देगी। इतने हाई टेम्परेचर पर सन के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। आपको तो पता ही होगा कि कोई भी एटम जब सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में होता है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम ही होता है। एटम्स के सेंटर में उसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा स्टेट में इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम नहीं रहता। प्लाज्मा स्टेट में ऑर्बिट कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है कि ये ऑर्बिट छोड़कर न्यूक्लियाई से अलग हो जाते हैं, और इस तरह प्लाज्मा स्टेट में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। सन के कोर में इतना हाई टेम्परेचर होने की वजह से इन प्लाज्मा स्टेट हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कोर में इतनी हाई स्पीड से मूव करने लगते हैं कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में टकराते भी हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी कि सेम चार्ज होने की वजह से जो रिपल्शन होता है, उसको भी पार कर जाते हैं और आपस में फ्यूज होकर एक हैवियर एटम हीलियम का न्यूक्लियाई बना लेते हैं। अब क्योंकि इस प्रोसेस में दो न्यूक्लियाई आपस में मिलकर एक न्यूक्लियाई बनाते हैं, इसीलिए इसे न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो फाइनल न्यूक्लियाई बनता है उसका मास उन दोनों न्यूक्लियाई के टोटल मास के बराबर नहीं होता जिससे मिलकर वो बना है, बल्कि उससे स्लाइटली कम होता है, जिसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। और यही मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ काम आती है आज तक की सबसे रेवोल्यूशनरी आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc². ये तो आप भी सोच सकते हो कि मास की वैल्यू कितनी भी कम से कम हो, लेकिन अगर आप उससे c² का मल्टीप्लाई करोगे तो वो टोटल क्वांटिटी कितनी बड़ी निकल कर आएगी। बाय द वे, c = speed of light। ये स्पीड ऑफ लाइट एनर्जी की क्वांटिटी में मास से मल्टीप्लाई होकर एक बहुत ही बड़ा नंबर बना देता है, और यही वो डीप रीजन है जिस वजह से सन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है और एटॉमिक बम्स इतने खतरनाक होते हैं। और हर सेकंड, हर रोज सन के कोर का 5 मिलियन टन मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एक फोटोन को सन से अर्थ तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है, यानी टोटल 500 सेकंड्स, और इतने समय में वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और सन के कोर से, जहाँ से ये फोटोन्स ओरिजिनली प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें सन की सरफेस तक पहुँचने में कई हजार सालों का वक्त लग जाता है, जबकि सन का रेडियस केवल 7 लाख किलोमीटर ही है। और अगर इसे स्पीड ऑफ लाइट से कैलकुलेट किया जाए तो इन फोटोन्स को सूरज के कोर से सरफेस तक आने में केवल 2.3 सेकंड का टाइम ही लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फोटोन्स सन की सबसे बाहरी सरफेस तक, कोर से डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकते, बल्कि ये कई बार इंटरनली सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हुए बाहर आते हैं। पहले ये कोर से निकलकर एक इंटरनल सरफेस पर एब्जॉर्ब हुए, उसने एक नया फोटोन रिलीज करा, और फिर वो दूसरे में एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसने एक नया करा, ऐसे ऐसे करके कई हजार साल बाद वो बाहर वाली सरफेस पर आ पाता है, जिसके आगे कोई दूसरा सरफेस नहीं है बल्कि खुला स्पेस मौजूद है। और फिर जाकर वो फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से हमारी अर्थ या फिर दूसरे कहीं भी प्लेनेट पर चला जाता है। इस प्रोसेस में फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी लूज हो जाती है, क्योंकि वो बार बार हर लेयर में एब्जॉर्ब होता रहता है, और वो जो लेयर नया फोटोन बनाती है उसकी एनर्जी पहले वाले से थोड़ी कम होती है, और यही प्रोसेस कई मिलियन टाइम्स तक चलता रहता है। इसीलिए वो अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी को लूज कर देता है, और यही वजह है कि सन के कोर का और सरफेस के टेम्परेचर का डिफरेंस जमीन आसमान का है। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर केवल 5600 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके कोर का टेम्परेचर है इतना।
तो अब जब अगली बार आप कभी धूप में बाहर निकलते हो तो याद रखना कि ये जो फोटोन आपकी बॉडी ने अभी अभी रिसीव किया है वो 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके सन के कोर में करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से कई हजार साल पहले प्रोड्यूस हुआ था। वेल, अब आते हैं हम अपने सवाल पर जो मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था, किस दुनिया का सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन वाला देश कौन सा है। वेल, उसका जवाब है चाइना। आई गेस आप में से बहुतों ने जवाब दे ही दिया होगा। अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा तो आप आसानी से गेस कर सकते हो कि सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी कंजम्पशन भी वहीं पर होगी। वेल, चाइना का एनुअल एनर्जी कंजम्पशन करीब 3164 मेगाटॉय है और नंबर टू पर आता है यूएस जिसका एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है 2258 मेगाटॉय और तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडिया जिसका है 929 मेगाटॉय। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इस नॉलेज की ज़रूरत है और अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन वाले बेल को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।